इंदिरा सागर बांध बनने से डूब प्रभावित गांव जाम कोटा में शुक्रवार को एनएसडीसी इंदिरा सागर पावर स्टेशन के नगमे सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डूब प्रभावित गांव जाम कोटा पुनर्वास पीपल कोटा नीमपुरा और आसपास के गांव के ग्रामीण शिविर में जांच कराने पहुंचे। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख ए के सिंह के द्वारा जनता को बोला गया कि हम खाना पूर्ति नहीं फायदा चाहते हैं, डॉक्टर अच्छे रहेंगे मरीज भी अच्छे रहेंगे तो फायदा सबका होगा। चिकित्सा के लिए खंडवा से भी डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। डूब प्रभावित 14 उप स्वास्थ्य केंद्र है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से हम सामान बांट नहीं पाए, इस साल सभी को बांटेंगे। डूब प्रभावित कोई भी नर्मदा नगर के बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। और खंडवा से डॉक्टर शुभांगी मिश्रा जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं हमारे बीच में हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब तक पूरे पेशेंट नहीं देख लेंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं पूरा जितना लास्ट मरीज को देख के यहाँ से हम लोग जाएंगे। थैंक यू जी सर। आज हम लोग NHDC के CSR के अंतर्गत इंदिरा सागर पावर स्टेशन द्वारा संचालित ये ग्राम जाम कोटा में मेडिकल कैंप में के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये हम लोग जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नॉर्मली हम लोग CSR का फंड यूटिलाइज करते हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो हमारा जो हॉस्पिटल है नर्मदा नगर में इंदिरा सागर का, वो तो जो लोकल जितने भी ग्रामवासी हैं आसपास के उनको सबको मुफ्त में जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग पूरी जो हमारे पास हॉस्पिटल में अवेलेबल है सारी मुहैया कराते हैं। लेकिन हमारा ये भी एक कमिटमेंट है कि जो हमारे डूब प्रभावित गांव हैं आसपास के उन पर भी हम लोग जो है वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हम लोग मेडिकल कैंप जो है समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। पिछले एक्चुअली COVID-19 के चक्कर चलते काफ़ी पिछले 1.5-2 वर्षों में ये कैंप नहीं लग पाए थे, तो अभी जैसे ही हमने देखा कि थोड़ा सा स्थिति सामान्य हुई है तो सारी सावधानियां बरतते हुए जो COVID-19 की जो भी सावधानियां हैं वो बरतते हुए और हमने प्रशासन से अनुमति लेकर यहां पर ग्राम जाम कोटा जो कि डूब प्रभावित क्षेत्र है यहां पर हम लोग मेडिकल कैंप आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो है इंदिरा सागर पावर स्टेशन के अलावा हमने जो है NHDC भोपाल के डॉक्टर्स को भी बुलाया हुआ है, खंडवा से हमने जो है गायनेकोलॉजिस्ट को भी बुलाया हुआ है और हमारा ओंकारेश्वर पावर स्टेशन से जो चिकित्सक हैं उनकी भी सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं। और कोशिश यह है कि जितने भी सामान्य जो रोग हैं पुरुष और स्त्री से संबंधित उनका जो हम लोग निदान कर सकें ये पूरी पूरी हमारी जो है ये प्रयास है। और काफ़ी लोग भी मैं देख रहा हूँ कि ग्राम जाम कोटा के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए और ये कैंप काफ़ी फायदेमंद होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। खंडवा से राम पवार नायक की ये रिपोर्ट।